अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 का उर्दू फिरोज़ा, जिसका सबक नंबर 1 हमद है, जिसका उन्वान है इनायत रहमान की। इसके जो लेखक हैं यानी मुसन्निफ, वो कौन है? मसूद अजीमाबादी। तो सबसे पहले हम इसको रीडिंग करा के और इसके माने वगैरह बता करके आपको समझाएंगे, और उसके बाद इसके जितने भी सवालात हैं उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। बनाम खुदा हमने की इब्तदा, जो है मेहरबान रहम वाला बड़ा। बनाम खुदा के माने होते हैं बनाम खुदा यानी खुदा के नाम से। हमने की इब्तदा, इब्तदा के माने होते हैं शुरू यानी आरंभ, किसी चीज़ को शुरू करना कहते हैं क्या, इब्तदा। जो है मेहरबान रहम वाला बड़ा, यानी कि हम लोग कोई भी काम जो करते हैं वो अल्लाह का नाम लेकर क्या करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, जो क्या है, निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। है क्या क्या इनायत रहमान की। इनायत ये क्या है, इनायत की क्या है, जमा है। इनायत की जमा क्या है, इनायत, यानी एकवचन क्या है इनायत, और इसका बहुवचन क्या है, इनायत। उसी ने दी तालीम कुरान की, यानी अल्लाह ताला ने हम लोगों पर बहुत सारे क्या किए हैं, इनायत किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दी है, और उसी ने जो है कुरान की तालीम भी दी है। उसी ने ये इंसान पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने ही हर इंसान को पैदा किए हैं। उसी ने सिखाया उसे बोलना, और उसी ने ही हर इंसान को क्या सिखाया है, बोलना सिखाया है। जो है आसमां पे महो आफ्ताब, और आसमान पे जो हम लोग चांद और सूरज को देखते हैं, मह के माने होते हैं चांद और आफ्ताब के माने होते हैं सूरज। मुकर्रर है चलने का उनके हिसाब, और अल्लाह ताला ने ही उनके चलने का हिसाब जो है दिन मुकर्रर कर रखा है कि किस टाइम जो है सूरज को तुलू होना है और किस टाइम जो है उसको गुरूब होना है, यानी कि किस टाइम उठना है और किस टाइम जो है उसको छुप जाना है। है बरगो शजर जीनते गुलिस्तां, बर्ग के माने होते हैं पत्ता और शजर के माने होते हैं दरख्त और जीनत के माने होते हैं खूबसूरत। उसी की सना में है रतबुल लिसां, यानी कि हर पत्ता और दरख्त सब क्या है, खूबसूरत है, किसमें, गुलिस्तान यानी फूलों की जगह में यानी गार्डन में। उसी की सना में है रतबुल लिसान, सना के माने होते हैं तारीफ, यानी अल्लाह ताला की तारीफ में सब क्या है, मशगूल हैं, मशगूल यानी के बिजी हैं, व्यस्त हैं। रतबुल लिसान के माने होते हैं तारीफ में, किसी की तारीफ में क्या रहना, मशगूल रहना, मशगूल यानी उसमें बिजी रहना, यानी कि हर पत्ता और दरख्त के पत्ते जो है और सब क्या करते हैं उसकी तारीफ में हमेशा क्या रहते हैं, मशगूल रहते हैं। खुदा के फजाइल करूं क्या बयां, तो फजीलत की जमा क्या है, फजाइल, इसको भी याद रखना है। किए हैं उसी ने बुलंद आसमां, यानी अल्लाह ताला की कौन से फजीलत को हम क्या करें, बयान करें। उसी ने क्या किए हैं, आसमान को भी क्या किया है, बुलंद यानी ऊंचा बनाया है। उसी ने बनाई है मीज़ान, ये है इंसाफ की एक पहचान ये, यानी अल्लाह ताला ने ही क्या बनाया है, मीज़ान बनाया है। मीज़ान के माने होते हैं तराजू, ताकि इंसाफ को तोला जा सके कि दुनिया में तूने क्या क्या किया है, सारा चीज़ों को कहाँ किसमें तोला जाएगा, क़यामत के दिन मीज़ान में तोला जाएगा। परख उसमें रखी है ईमान की, कि हद से ना आगे बढ़े कोई भी, यानी अल्लाह ताला ने भी सबके अंदर ईमान दिया है कि ईमान के दायरे में रहो, उससे आगे जो है मत बढ़ो। हिदायत है तुम तोल में ठीक दो, कमो बेश उसमें न हरगिज करो, यानी कि कोई भी तिजारत करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें क्या करो, जो नाप तोल करते हो उसमें कमो बेश मत करो, यानी कि जितना है उतना ही दो और उतना ही लो। ज़मीन को उसी ने है पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने ही क्या किया, ज़मीन को पैदा किया है, कि जिस पर रहे सारी खलके खुदा, खलके खुदा यानी अल्लाह ताला की मखलूक जो है किस में रहती है, ज़मीन पर। खजूर और फल के हैं पौधे यहाँ, यानी ज़मीन पर खजूर है और फल के पौधे भी हैं। गिलाफों में खोशे हैं जिनके यहाँ, और गिलाफों में क्या है, खोशे, गिलाफ यानी गिलाफ में जो है ढका हुआ है, खोशे, खोशे यानी खजूर के जो खोशे होते हैं वो ढका हुआ है। उसी पर वह गल्ले भी पैदा किए, और ज़मीन पर भी अल्लाह ताला ने क्या किए, गल्ले, और गल्ला की जमा क्या है, गल्ले,
यानी अनाज पैदा किए हैं, निहा जिनके छिलकू में दाने किए, और फिर दानों को जो है छिलकू के अंदर पोशीदा यानी छुपा करके रखे हैं। निहा के माने होते हैं पोशीदा यानी छुपा हुआ। हसी फूल भी है लगे चार सू, और चारों तरफ जो है हसीन खूबसूरत फूल चारों तरफ है के फैली है जिनकी महक कुबकू, और चारों तरफ जो है उसकी खुशबू फैली हुई है। किसकी खुशबू? हसीन फूलों की। चलिए आगे देखते हैं। फिर ए इंसो जहां देख रब की आता, तू किस किस इनायात को झुटलाएगा, यानी कि कोई भी इंसान अकलमंद आदमी अल्लाह ताला की इन इनायात को रहम करम को नहीं झुटला सकता। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो था हम्द, ये किसका लिखा हुआ है? मसूद अजीमाबादी का। इस राइटर का नाम जरूर याद रखें। तो चलिए आगे देखते हैं इसके सवालात को। तो पहला सवाल था कि हम्द के पहले शेर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है? सिफत यानी उनकी अच्छाई को बयान किया गया है। पहला क्या है? मेहरबानी, या फिर रहम, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले शेर में इस हम्द के पहले शेर में जो किसको बयान किया गया है? मेहरबानी और रहम। तो इसमें टिक कौन सा हो जाएगा? जीम नंबर दोनों। उसके बाद क्या है? सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर कर रखा है? साइंसदानों ने, हुक्मरानों ने, खुदा ने, या किसी ने नहीं। तो चांद सूरज सारे चीज़ों का जो है चलने का जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, हिसाब रखा है, वो किसने रखा है? खुदा ने। तो ऑप्शन जी हो जाएगा, खुदा ने। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि इस नज़म में लफ्ज बुलंद आया है, दरवज़ील में बुलंद की जिद क्या है? बुलंद के माने होते हैं ऊँचा। तो जिद किसे कहते हैं? विलोम शब्द को क्या कहते हैं? जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिद, यानी कि उल्टा वाला शब्द। तो नीचा क्या होगा? ऑप्शन नीचा, या फिर पस्त, या फिर क्या होगा? नशीब, या फिर क्या होगा? ऊंचा। तो बुलंद के माने होते हैं ऊंचा। तो उसका जो उर्दू लफ्ज होता है वो क्या होता है? पस्त होता है। क्या होता है? पस्त। तो ऑप्शन बा हो जाएगा, राइट आंसर पस्त। तो बुलंद की जिद क्या है? पस्त। उसके बाद क्या है चार नंबर पे? सही तोलना किस सिफत को जाहिर करता है? बहादुरी को, इंकसारी को, या फिर वफादारी को, या फिर ईमानदारी को। तो सही तोलना किस सिफत को जाहिर करता है? ईमानदारी को। यानी आप दुकानदारी कर रहे हैं और नाप तोल में सही करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ईमानदारी जाहिर हो रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल। उसके बाद आगे देखते हैं जिम नंबर, सॉरी पांच नंबर, कि किस तरह की नज़म को हम्द कहते हैं, यानी हम्द किस नज़म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, या फिर जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ हो, या जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, या फिर जिसमें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तारीफ़ हो। तो ऑप्शन जी हो जाएगा, राइट आंसर, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, तो उस नज़म को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अब सवाल नंबर दो पे आ जाते हैं और उसके एक नंबर को देखते हैं। तो सवाल नंबर दो का एक नंबर, हम्द किसे कहते हैं? इस हम्द के शायर कौन हैं? तो सिन्फ़े शायरी में हम्द उस नज़म को कहा जाता है, यानी शायरी की जो सिन्फ है, तो हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान होती है। शायर हम्द के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ साथ अपनी बंदगी और आजिज़ी का इकरार करता है। हम्द एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ के हैं। इसके माने क्या हैं? तारीफ के हैं। तो हम्द किस नज़म को कहेंगे? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाएगी। और शायर क्या करते हैं कि हम्द के अंदर अपनी बंदगी यानी इबादत को, और आजिज़ी यानी अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगने को भी दिखाते हैं। और हम्द जो है किस कौन से ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। और इस हम्द के जो शायर हैं तो कौन है? मसूद अजीमाबादी हैं। चलिए देखते हैं आगे सवाल नंबर दो, कुरान की तालीम किसने दी? तो जवाब में है कि कुरान की तालीम खुदा ने दी है। सवाल नंबर तीन, पहला शेर किस आयत का तर्जुमा है? अरबी में लिखें। तो पहला शेर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा है। सवाल नंबर चार को देखते हैं कि खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाए और हमें नापतोल के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? तो इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं कि खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान बनाया है। पैमाइश यानी कि नापने के लिए क्या बनाए हैं? मीज़ान बनाया है, और हमें नापतोल में बराबर देने का हुक्म दिया है। यानी कि हम लोग जब भी नापतोल करें तो सबको
बराबर में यानी नाप तोल में कमोबेश करने से मना किया गया है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं कि खुदा की तारीफ में कौन रकबुल लिसान है। तो खुदा की तारीफ में बरगो शजर यानी के पत्ते और दरख्त, इंसो जिन यानी इंसान और जिन्नात सभी क्या है, रकबुल लिसान है, रकबुल लिसान है यानी मशगूल हैं। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर के खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है, समझाएं। तो खुदा ने अपनी कुदरत से अनगिनत चीज़ें बनाई हैं, अनगिनत यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जैसे कि ज़मीन व आसमान और आफ्ताब व महताब, महताब के माने चांद, आफ्ताब के माने सूरज, चमकते हुए सितारे, फूलों में खुशबू, फलों में मिठास, परिंदों का ऊमा और परिंदों को खुशहाली खुश इलहानी अता की है, यानी परिंदे की जो बोली होती है उसकी आवाज़ खुश इलहानी यानी मीठी होती है। हमारे इर्द गिर्द की तमाम अशिया खुदा ने ही बनाई है, अशिया के माने चीज़, यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, जिसमें खुदा की कुदरत क्या कुदरत और हिकमत नज़र आती है, यानी जिस भी चीज़ को हम लोग नज़र दोहराएंगे तो उसमें अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत नज़र आएगी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 कि किसी 5 नादगो शायरों के नाम लिखिए। तो नादगो शायरों के नाम, तो पहला जो है, तो 5 नादगो शायरों के नाम मंदरजा झील हैं, मंदरजा झील यानी निम्नलिखित हैं। तो पहला जो है शाद अजीम आबादी, दूसरे नंबर पे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, और तीसरे नंबर पे है हफीज़ जालंधरी, और चौथे नंबर पे है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, और पाँचवें नंबर पे है हामिदुल्ला अफसर मेरठी। चलिए आगे देखते हैं, सारे सवाल को हल कर चुके हैं, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। वाहिद से जमा बनाना है, यानी कि एक वचन से क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल। तो इनायत, इनायत का जमा क्या हो जाएगा, इनायत। उसके बाद क्या है तालीम, तालीम का जमा क्या हो जाएगा, तालीमात, तालीम यानी शिक्षा। उसके बाद क्या है फजीलत, फजीलत का जमा क्या हो जाएगा, फजाइल। उसके बाद क्या है हिदायत, हिदायत का जमा क्या हो जाएगा, हिदायत। उसके बाद क्या है खल्क, खल्क का जमा क्या हो जाएगा, अखलाक। उसके बाद क्या है अतिया, अतिया का जमा क्या हो जाएगा, अतियात। उसके बाद क्या है सिफत, सिफत का जमा क्या हो जाएगा, सिफात। उसके बाद क्या है वरक, वरक यानी पेज, वरक का जमा क्या हो जाएगा, औराक। उसके बाद क्या है शजर, शजर माने दरख्त, शजर का जमा क्या हो जाएगा, अशजार। चलिए आगे देखते हैं कि मिसरे के सही जोड़े मिलाए, यानी मिसरे को जो है उल्टा पुल्टी करके दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, जोड़े मिलाना है। तो पहला है क्या क्या अनायात रहमान की, तो ये किसके साथ मिल जाएगा, उसी ने दी तालीम कुरान की, तो इसके साथ मिल जाएगा, उसी ने दी तालीम कुरान की। खुदा के फजाइल करूं क्या बयां, किए हैं उसी ने बुलंद आसमां, तो ये किसके साथ मिल जाएगा, दूसरा नंबर वाला लास्ट वाले के साथ, किए हैं उसी ने बुलंद आसमां। उसके बाद क्या है हिदायत है तुम तोल में ठीक दो, तो किसके साथ मिल जाएगा, पहले वाले के साथ, के कमोबेश उसमें हरगिज न करो। उसके बाद क्या है हसी फूल भी है लगे चार सू के फैली है, किसके साथ मिल जाएगा, दूसरे वाले के साथ, के फैली है जिनकी महक कूबकू। उसके बाद क्या है परख उसमें रखी है ईमान की, के हद से न आगे बढ़े कोई भी। तो इस तरीके से मिला लेना है, चाहे तो आप किताब से भी देख करके मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इस हमद में एक लफ्ज गुलिस्तां आया है जो इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझ लेना ज़रूरी है कि इसमें ज़र्फ़ कहते किसे हैं। तो इसमें ज़र्फ़ उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी जगह और वक्त को समझा जाए, यानी जिस लफ्ज़ से किसी जगह या वक्त यानी समय के बारे में पता लगे तो उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे बाग हो गया, अजायब घर हो गया, शाम हो गया, सुबह वगैरह वगैरह यानी इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं, इसको चुन लेते हैं। तो दर्जील अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ को चुनकर कॉपी पर लिखिए। तो आप लोगों को चुनना है, तो यहाँ पे इसमें ज़र्फ़ क्या हो जाएगा, कुर्सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, गुलशन, इम्तिहान तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, भाई भी नहीं होगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कुर्सी हो जाएगा, गुलशन, उसके बाद क्या हो जाएगा चिड़ियाघर, उसके बाद क्या हो जाएगा डाकखाना, उसके बाद क्या हो जाएगा इमामबाड़ा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद क्या हो जाएगा बागीचा, फिर क्या हो जाएगा इस्तबल। तो ये सब चीजें क्या है इसमें ज़र्फ हैं। चलिए तो सवाल सारे सवाल के जवाब कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें।